हेलो एवरीवन, मैं मिसली एंड यू आर वाचिंग मेरेकलोनी क्लासेस, जहां आप सीखते हो इंग्लिश हिंदी के थ्रू और वो भी बिल्कुल अमेजिंग वे से। जैसा कि आप जानते हो कि आजकल एक सीरीज चल रहा है सरप्राइजिंग फैक्ट का, और उसमें मैं बहुत सारे वीडियोज आपके ला रहा हूं, और वैसी वीडियोज लाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो आपके रोजमर्रे के जीवन से वैसे शब्द जुड़े हुए हैं और आपको लगता है कि वो शब्द का उच्चारण यानी उन शब्दों का उच्चारण आप करेक्टली करते हो, लेकिन असल में वो आप करेक्टली नहीं करते हो, आप बहुत सारी गलतियां करते हो और आपके अंदर कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं, जिसको लेकर के आपको लगता है कि यार है ना हम तो सही हैं, लेकिन असल में आप सही नहीं होते हो। आपको बाद में पता चलता है, जब आपको जानकारी होती है तो आपको बाद में पता चलता है कि यार ऐसी बात नहीं है, ये तो है ना हमसे गलती हो रही थी। तो ऐसी ही गलतियां लाता हूं, आज ले आया हूं आपके लिए तीन वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है डार्लिंग, जो आप भ्रम में हो। दूसरा वर्ड है स्वीट हार्ट, जो कि आप भ्रम में हो। एंड तीसरा वर्ड है बेबी, यानी बेबी जिसे आप कहते हो वो भी है। तो ये तीन शब्दों के बारे में आपके अंदर जो मिसकंसेप्शन है, आपके अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उसको मैं दूर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट थिंग कि आपको क्या लगता है कि बेबी का मतलब होता है बच्ची, सिर्फ बच्ची, लेकिन आप डिक्शनरी कंसल्ट करोगे तो आप पाओगे कि बेबी का मतलब होता है बच्चा और बच्ची दोनों। इसके दूसरे एस्पेक्ट को देखोगे, अगर इसके दूसरे पहलू को देखोगे तो आप पाओगे कि बेबी शब्द का प्रयोग बहुत ही प्यार से किसी भी उम्र के लोगों को किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी उम्र के लोगों को आप बेबी कह सकते हो बड़े प्यार से। यानी एक वाइफ अपने हस्बैंड को भी बेबी कह सकती है, और एक वाइफ भी अपने हस्बैंड को बेबी कह सकती है, और एक हस्बैंड भी अपने वाइफ को बेबी कह सकता है प्यार से, क्योंकि वहाँ बेबी का मतलब होता है प्रियतम, जो मेरे बहुत ही अति प्रिय हो। आपने मूवीज़ में, आपने सिनेमाओं में ये चीज़ें जरूर सुनी होगी बेबी कहते हुए लेडीज़ को। तो लेडीज़ को कहते हुए आपने सुना होगा, तो आपको लगता होगा कि यार क्या ये बात हो गई, बेबी तो एक फेमिनिन जेंडर है, यानी इससे तो गर्ल्स का बोध होता है, लेकिन फिर ये लड़की बेबी किसी लड़की को क्यों बोल रही है? नहीं नहीं नहीं, आप बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ डार्लिंग को लेकर के है, अगर आप गांव समाज से बिलोंग करते हो तो बच कर रहना इस वर्ड से, क्योंकि अगर किसी लड़की को आपने गलती से भी डार्लिंग कह दिया ना, तो बस चप्पे क्या बोलते हैं वो, चप्पल जूते सैंडल की तो बारिश होना शुरू हो जाती है, और अगर बात आगे बढ़ गई तो भाला बर्छियाँ भी निकल जाती हैं। चलो मिसकंसेप्शन आप लोगों को दूर करता हूँ। डार्लिंग का मतलब होता है प्रिय, प्रियतम, जो आपके बहुत ही प्रिय हो। आप किसी को भी डार्लिंग कह सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरी बहुत कोई प्यारी सी बेटी है, कोई प्यारी सी, कहने का मतलब है मेरी बहन है, प्यारी सी माँ है, जिससे आपको बेहद प्यार है, आप बहुत प्यार करते हो, आप वैसे लोगों को आप डार्लिंग कह सकते हो। और दूसरी चीज़ कि सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही किसी स्त्री को डार्लिंग नहीं कह सकते हैं, बल्कि स्त्रियाँ भी पुरुष को डार्लिंग कह सकती हैं, अगर उनकी नज़र में हम उतने प्यारे हैं, उतने प्रिय हैं, उतने प्रियतम हैं, भले हमारा रिलेशन चाहे जो भी हो, ठीक है। तो रिलेशन को लेकर के ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, इसका दूसरा मतलब होता है प्रेमी या प्रेमिका, वो बात अलग है, लेकिन प्यार से किसी को भी आप डार्लिंग कह सकते हो। अब तीसरी गलती की बात करते हैं, यानी तीसरी मिसकंसेप्शन की बात करते हैं। तो तीसरी वाली ये है कि हम लोग स्वीट हार्ट को क्या समझ लेते हैं। हम लोग स्वीट हार्ट का मतलब समझते हैं सिर्फ प्रेमी या प्रेमिका, लेकिन नहीं, सिर्फ इसका मतलब प्रेमी या प्रेमिका ही नहीं होता है, बल्कि प्रियतम भी होता है, जो हमारे काफ़ी करीब हो, जो कहने का मतलब है जिससे हमारा नाता काफ़ी गहरा हो, जिससे हमें मोहब्बत हो, वो कोई भी हो सकती है जिससे हम प्यार करते हों। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम प्यार सिर्फ अपनी वाइफ से ही कर सकते हैं या अपनी जीएफ से भी कर सकते हैं, नेसेसरी ये है कि हम प्यार किसी से भी करते हैं। तो जिससे भी प्यार करते हैं, जो भी हमारे लिए काफ़ी प्रिय है, उसे हम स्वीट हार्ट कह सकते हैं, लेकिन स्वीट हार्ट का दूसरा मतलब प्रेमी और प्रेमिका भी होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन शब्दों से आप भ्रम में मत रहना कि ये तीन शब्द सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के लिए है, या सिर्फ लड़का के लिए है, या सिर्फ लड़की के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। जितने शब्दों को मैंने आपको बताया वो सब के सब कॉमन जेंडर हैं, और कॉमन जेंडर का मतलब होता है जो किसी के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यानी आप पुरुष के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, स्त्री के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी दूसरे के द्वारा डार्लिंग अगर आप सुनो या स्वीट हार्ट सुनो, तो आप उसे चप्पल और जूते की बारिश शुरू मत कर देना, या उसे झगड़े झंझट मत मोड़ लेना, ठीक है। वो ऐसी बात नहीं है, बात यह है कि अंग्रेजी के शब्दों के हिस्ट्री को पहले जानो, उसके ओरिजिन को जानो, उसके अर्थ को जानो, उसके यूजेस को जानो, उसके बाद आप मिसकंसेप्ट करो, ठीक है, उसके बाद आप गलत समझो, मिसअंडरस्टैंड करो, ठीक है। तो पहले जानना ज़रूरी है, और ये वीडियो लाना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। भले वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन आपको लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद मुझे काफ़ी नॉलेज मिली है, काफ़ी अच्छा लगा है, एंड बाकी लोगों तक अगर ये वीडियो पहुँचती है तो उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया की वो हर चीज़ देने से घटती है, बट एजुकेशन, शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो जितना दोगे वो उतना ही बढ़ती है। तो फिर बढ़ाओ ना, दिक्कत क्या है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के बीच, है ना। और अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ को देखना चाहते हो
तो आप मेरे चैनल मिरेकल यूनिक क्लासेस पे विजिट कर सकते हो और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस देखकर डिफरेंट टाइप के नॉलेज को अक्नॉलेज कर सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और भी आपके मिसकंसेप्शन को लेकर के आऊँगा, कुछ और भी आपके मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेकर के आऊँगा, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।